आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 11 अक्टूबर 2023 को एक नया अपडेट जारी किया गया है, नया डेटा जारी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बारे में जो है जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो देख रहे हैं आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, तो अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको एजुकेशनल कंटेंट, आईटीआई परीक्षा की तैयारी या फिर आईटीआई से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, स्कॉलरशिप, अप्रेंटिसशिप, सभी जानकारी जो है मिलती रहती है समय समय पर। तो चैनल को ना भूलें, सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। बाकी आप प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी सी फीस देकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पूरा बेसिक से चैप्टर वाइज क्लासेस आप ले सकते हैं अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो भी आप चाहो चेक कर सकते हो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद। बात करें जो लेटर है, ये उत्तर प्रदेश पर लागू होने वाला है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है और उत्तर प्रदेश में आईटीआई के लिए एडमिशन लिए हैं, आईटीआई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में अभी, ठीक है। फर्स्ट ईयर इसलिए क्योंकि अभी आपने एडमिशन ही लिया होगा, कुछ लोगों ने 10 दिन पहले लिया होगा, कुछ लोगों ने 1 महीने पहले लिया होगा। तो सिंपल सा है, जिन्होंने एडमिशन 2023 में लिया, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है और कहाँ के लिए है, ये स्टेट गवर्नमेंट का लेटर है, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडमिशन के दौरान क्या होता है, कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में एडमिशन होता है उसमें ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस होता है। पहले आप ऑनलाइन करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं, कॉलेज पर जाते हैं। तो कई बार जब हम ऑनलाइन करवाते हैं बाहर से, साइबर कैफे वगैरह से, तो वहाँ कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको एक स्पेशल मौका दिया जा रहा है, आपके नाम में, पिता का नाम या माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोटो में कुछ गड़बड़ी है तो आप उसे सही करवा सकते हैं कॉलेज से संपर्क करके। और सिर्फ 2 दिन के लिए स्पेशल मौका मिल रहा है। किसके लिए ये है, क्लियरली मैं बता दूं, जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने बात कर रहे होंगे, तो कल भी मैंने एक वीडियो दिया था चैनल पर, उसको चेक कर लीजिएगा, आईटीआई प्रोफाइल रिलेटेड, कल का, देखिए 22 घंटे पहले दिखा रहा ना, कल मैंने बताया था कि ये बैच है आपका जो 2023 में फाइनल हो गया, 2021 से 23 वाले बैच के लिए ग्रीवेंस का ऑप्शन एनसीबीटी पोर्टल पर ओपन है। तो अगर आप पुराने बैच के हैं तो इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। और अभी जस्ट एडमिशन हुआ है और एडमिशन फॉर्म में ही आपसे गलती हो गई है 2023 में, और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो अभी आपको मौका मिलने वाला है। तो वो मैं आपको बता दूं, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो में संशोधन थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं पूरा नाम ही बदल दिया, सुनील को अनिल नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़े बहुत मिस्टेक है तो वो सही किया जा सकता है। और एक खास बात और है कि सभी बच्चों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग अलग होना चाहिए, ऐसा जरूरी है, नहीं तो एनसीबीटी पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हो सकता है आपका कॉलेज आपसे ईमेल आईडी मांगे, तो चुपचाप आप दे दीजिएगा। कहीं कुछ लोग सोचे कि अरे ईमेल आईडी नहीं देंगे तो काम चल जाएगा, तो नहीं देंगे तो आपका एनसीबीटी पर एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, फिर आप परीक्षा नहीं दे पाओगे, ठीक है। अब इसमें नीचे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, कि ये 2 दिनों का मौका, यहाँ पर 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर सिर्फ 2 दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा, और ये संशोधन स्टूडेंट नहीं कर सकता है, ये कॉलेज के थ्रू होगा। कौन करेगा, आईटीआई कॉलेज करेगा। लेकिन गलती आपके है फॉर्म में तो आप बताओगे तभी कॉलेज कर पाएगा ना। तो सिंपल सा है कि 13 और 14 2 दिन होना है, तो उसका इंतजार मत करिए। आज 12 तारीख है, आज ही चले जाइए, कल चले जाइए और कॉलेज को बता दीजिए कि मेरा, मैंने सर फॉर्म भरा था ऑनलाइन साइबर कैफे से, और मेरे नाम, पिता के नाम या डेट ऑफ बर्थ में ये गलती है। उनको अलग से अगर आप नोट करा दोगे तो फिर जब 2 दिन के लिए ओपन होगा तो वो कर देंगे आपका डिटेल जो है सही। और सही कैसे होना है, ये कॉलेज के लिए नीचे प्रक्रिया भी दिया हुआ है कि भाई कॉलेज अपने आईडी से लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, एंट्रेंस एडमिशन का ऑप्शन आएगा, करेक्शन, ट्रेनी डेटा, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई आएंगी, डेट ऑफ बर्थ और ये सब संशोधन का। तो ये तो खैर कॉलेज के लिए है, कॉलेज सब कर लेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को क्या करना है, दोबारा रिपीट कर दूँ, जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया है और उत्तर प्रदेश के किसी भी आईटीआई में एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ गलती कर दिया है, आपके नाम, पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोटो या आधार कार्ड किसी चीज़ में हल्का फुल्का गलती है या पूरी गलती है, तो आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म कर दीजिए। और ज़्यादा समय नहीं है, कल पोर्टल खुलेगा, परसों बंद हो जाएगा, सिर्फ 2 दिन के लिए खुल रहा है, 13 और 14 अक्टूबर के लिए। तो बिना इंतजार किए 2023 के बच्चे फटाफट काम करवा लीजिए एडमिशन में, जो भी मिस्टेक है आपका, नहीं तो बाद में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता, कभी स्टेट से अप्रूवल पेंडिंग रह जाता है, कभी एनसीबीटी से अप्रूवल नहीं होता। तो संशोधन कराना बहुत टेढ़ी फील होती है आईटीआई में। तो जो भी नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, आपका कोई दोस्त यार है नया एडमिशन लिया है, तो उसको बोल दो कि भाई आप अपना एक बार एडमिशन लिस्ट जो है हाई स्कूल की मार्कशीट से डिटेल मैच करा लो। आप, कोई बच्चा ऐसा भी होगा कहेगा मैं तो डायरेक्ट कॉलेज में डॉक्यूमेंट दे दिया था, मेरे पास तो है ही नहीं, तो
तो आप कॉलेज चले जाओ और कॉलेज से ऑफिस में जाओ और उनसे बोलो सर एक बार मेरा एडमिशन फॉर्म दिखा दो, मुझे अपनी डिटेल चेक करनी है। आप चेक कर लो, क्योंकि कई बार बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में एडमिशन होता है, तो चेक करते हुए भी उनसे गलतियाँ पकड़ में नहीं आती हैं। तो आसान होगा अपने अपने कॉलेज से संपर्क करके अपने प्रोफाइल अभी चेक करवा लें 2023 वाले बच्चे। और ये फिलहाल उत्तर प्रदेश की ये व्यवस्था है, तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी और कोई अपडेट आएगी तो आपके इसी चैनल ग्लोबल ITI पर लगातार मिलता रहेगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म भी लगभग ओपन होना शुरू हो गया है यूपी का, लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। उसके लिए मैंने एक दिन पहले वीडियो बना दिया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। हर छोटी बड़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी लगातार। इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।